नए साल पर जम्मू कश्मीर में कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। माता का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी थी। इसी दौरान देर रात 2:45 पर अचानक भगदड़ मच गया, जिसमें 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायल श्रद्धालुओं में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। नए साल के मौके पर कटरा में वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। माता के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी थी। इसी दौरान बताया जा रहा है शुरुआती जांच में जो सामने आया है, इसी दौरान दो गुटों के बीच में बहस हुई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की होने की वजह से भगदड़ मच गई, श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे, कई लोग नीचे जमीन पर गिर गए जो फिर उठ नहीं सके। कुछ समय बाद हालात सामान्य हुए, घायलों को आनन फानन में कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भगदड़ के दौरान कुचलने से कुछ लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसकी संख्या 12 बताई जा रही है और मृतकों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भगदड़ में कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। व्हीलचेयर की मदद से घायल महिला श्रद्धालुओं को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहीं भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और सभी घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने का पीएम मोदी की तरफ से ऐलान किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। जो स्टम्पीड भवन के एरिया में रात को हुआ, तो उसमें टोटल कोई 12 कैजुलटीज हुई हैं, तो उसमें से 3 डेड बॉडीज अभी अभी हमारे पास पहुंची हैं। 9 पहले की आ गई थी, 3 अभी अभी पहुंची हैं। तो बाकी जो इंजर्ड लोग थे वो श्राइन बोर्ड द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको नारायण हॉस्पिटल में कुछ को शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ अभी शिफ्ट कर रहे हैं।